दादा तो हाथों से ही पकड़ रहा है। हाँ ये वाला। ओ और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मतलब दिल खुश हो जाता है। इतना बड़ा फार्म, इतना सारा बजीस पर, और इतना अच्छा रिजल्ट, और इतना अच्छा इन लोगों का हेल्थ। और आप केस देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा है। पैसा भी पूरा पेमेंट हो गया है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपंकर, और ये है मेरे दादा उज्जवलदा, और ये छोटा भाई देवाशीष, और हम सब करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी जुल्फिकार भाई का फोन आया था, मतलब 700 पेयर बजीज ब्रीडिंग कॉलोनी का ओनर जुल्फिकार भाई का फोन आया था कि डायमंड हार्बर से कुछ लोग आ रहे हैं उनका फार्म से बजीज पैरोट परचेज करने के लिए। तो हमको बुलाया कि दादा आओ और एक वीडियो वगैरह बनाओ। तो मैंने सोचा हाँ कि एक वीडियो बना के आप सबका साथ क्यों ना शेयर किया जाए, इसलिए वहाँ जा रहे हैं, वीडियो बनाएंगे। तो चलिए जाते हैं वहाँ और जाके दिखाते हैं आप लोगों को कि कौन आया है और कितना पेयर परचेस कर रहा है, कितना प्राइस उनको पे करना पड़ रहा है जुल्फिकार भाई को वो सारा पैरट्स परचेस करने के लिए। तो चलिए अभी जाते हैं। अभी पहुंच गए हैं जुल्फिकार भाई के घर का सामने, और ये सामने ही खड़ा है जुल्फिकार भाई, और यही दादा शायद आए हैं। दादा आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत मंडल। अभिजीत मंडल, आप कहाँ से आए हैं? हम खोड़ी बेड़िया से आए हैं। खोड़ी बेड़िया से, मतलब मेरा वीडियोस देख के जुल्फिकार भाई का कॉन्टेक्ट नंबर लेके मतलब यहाँ से ही परचेज करने के लिए आए हैं। और एक्चुअली अब अभी पहुंचे, तो टाइमिंग बहुत अच्छा हो गया, इन्होंने भी एंटर किया, हम लोग भी पहुंच गए। तो चलिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा बार्ड्स और कितने प्राइस दादा पे करेंगे जुल्फिकार भाई को। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जुल्फिकार भाई का फार्म का सामने। फार्म का मतलब जहां सारा चिक्स वगैरह जुल्फिकार दादा रखते हैं वहीं आगे है, अंदर जाएंगे। और दादा आपका केज कहाँ है? दादा केज लेके आओ पहले। इधर वो उत्तर का थोड़ा हवा चलता है ना। ओ हाँ, आपने तो बताया था कि नॉर्थ साइड का जो हवा है वो बहुत ही खराब होता है। वो अच्छा, पीछे का वो ओपन है, वो अभी गिरा देगा। और दादा का जो टारगेट है 100 पीसेस का, मतलब 50 पेयर, और यही केज अगर। और बहुत सारा फ्रेंड्स हमको ये कहता है हिंदी में क्यों वीडियो बनाता हूँ। देखिए बंगाली तो सब समझता नहीं, लेकिन जो बंगाली लोग है वो भी थोड़ा बहुत हिंदी समझ जाता है, लेकिन अगर प्योर बंगाली हम कहेंगे तो तभी जिन लोगों को बांग्ला नहीं मालूम तो बिल्कुल समझने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसे में ही मैं भी बंगाली हूँ, मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है फिर भी। और दादा तो बताइए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कौन सा ग्रेड का, एकदम छोटा एक महीने का चिक आपको लेना है या थोड़ा? नहीं भाई साहब, साथ बात हुआ पहले, मेरे को फोन में बात किया था। अच्छा। भाई साहब बोला था जो मेरे को अच्छा वाला पैरोट चाहिए। अच्छा। तो मैं बोला देखो मेरे पास ऐसे वाला पैरोट है अभी, जो जाके आपका पास, आपका घर में जाके, आपका केज में जाके 15 दिन 20 दिन, कोई ज्यादा से ज्यादा एक महीना के अंदर अंडा देगा, एक डेढ़ महीने के अंदर रिजल्ट आने का एक मतलब चांस है। 3 महीना 5 दिन 7 दिन हो जाएगा। ये कि आपका फर्स्ट टाइम है या इससे पहले? ये हमारा फर्स्ट टाइम है। आपका वीडियो देख के और अभी मतलब थोड़ा इंस्पायर हुआ और सोचा कि हाँ थोड़ा एक इसलिए मैं ऐसा वाला, इसका उम्र 2 महीना होने वाला है, ठीक है, इसी को 2 महीना से 5-10 दिन ज्यादा हो गया, इसलिए इसी केस में मैं दे रहा है, ठीक है। इससे अभी 2-3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले हाँ। वो जो
मगराहट है ना, मगराहट उधर से एक बंदा आके लेके गया। अभी बहुत दो तीन बंदा का ऑर्डर है, वो आएगा दो तीन दिन बाद। अच्छा अच्छा, मतलब मेरा वीडियो देख के लोग आपको कांटेक्ट करके आ रहा है। जी जी जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप एकदम सामने ही बोल रहे हैं कि हाँ जी, दीपक दादा आपका वीडियो देख के आ रहा है, ये हमको भी बहुत खुशी हो रहा है। जी, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। 4:05 बज रहा है। और ये दादा लोग भी बहुत दूर से जर्नी करके आया है, लगभग 70 किलोमीटर। हाँ, 75 किलोमीटर बाइक राइड करके यहाँ आए हैं, और फिर से बार्स लेके वहाँ इतना दूर तक पहुँचना है। और मतलब अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड भी पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी देर करना सही नहीं होगा। शुरुआत करें? हाँ 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 दादा, काम कर रहे हैं। हाँ हाँ दादा, और सारे लोग बाहर वेटिंग कर रहा है। जुल्फिकर भाई यहीं से स्टार्ट कर रहा है। धरो 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 धरो, नहीं नहीं, वो दादा एक बार चेक कराने के लिए। बॉडी देखा तू भाई, देखे ना हाथ ना बॉडी, बॉडी देखो ठीक है। दादा ये तो रेड आइज का है ना, व्हाइट मतलब? नहीं 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 नहीं, रेड आइज अलग है। ठीक है, लाल का ठीक है। दादा क्या पसंद आया? पसंद है, इसलिए आया ना। हाँ हाँ दादा जरूर। हाँ, काफी अच्छा क्वालिटी का है, सच में बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। हेल्दी बार से। हाँ दादा, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, मैं आपको हेल्प करता हूँ दादा। दादा तो हाथों से ही पकड़ रहा है। हाँ ये वाला। ओह यार, मतलब 100 बार्स पकड़ना है। हाँ अच्छा कलर, बहुत ही अच्छा कलर, बढ़िया कलर। वो वाला? हाँ মানে ব্লুটা দাও তো, ওই যে ব্লু, না 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 ওই ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ। হ্যাঁ ওটা ধরতে পারেন, ওইটাও ধরতে পারেন। ৮৫ দাদা উসকো নামে দেখিয়ে দো ব্লু। হ্যাঁ রাইট, 94 95। দাদা আর এক পকড়িয়ে, দাদা আর এক 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 পকড়িয়ে, আর 4 রেড আই আপকো দেনা হ্যায়, মতলব সেম প্রাইস মে 4 রেড আই। নেই দাদা, ও দেনা হ্যায় দাদা। हाँ भाई बताइए। आपका बाप नहीं, नहीं तो हाँ नहीं रखूंगा, ये तो बोलना नहीं चलेगा। ठीक है, मैं जो दे रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो आप खुशी जिसमें होगा। कत है? 75 है। 95 है। 95 है। हाँ 97 है। और एक दिखे ओखान दिखे दो। 97। हाँ राइट।
अच्छा मेरे हिसाब से शुभंकर भाई का पसंद कर, वो एकदम कोना में जो है, एकदम बिल्कुल कोना में जो है। हाँ राइट राइट, वो वाला दादा ये पसंद तो है ना। अच्छा दादा ठीक है ठीक है। और दादा दो रेड आई देना का, दो रेड आई दे दीजिए। रेड आई उधर से देगा, इसको बंद कर दो दादा, ऐसे पकड़ के रखो। अच्छा अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना दादा। अच्छा आपका पास क्या एक है? हाँ, है, एक है हाँ। तो अब मतलब थोड़ा काम कर दीजिए, मतलब ऐसे ले जाना ठीक नहीं होगा। हाँ दादा तो थोड़ा एज कम है वो रेड आई का, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दादा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट। और जुल्फिकार भाई यहाँ सारे रेड आई यहाँ ही रखे हैं क्या? नहीं थोड़ा कलर भी है इधर। अच्छा कलर भी है और रेड आई का भी यहीं ही रखे हैं। ठीक है दादा दो पकड़ लीजिए, एक येलो और एक व्हाइट। हाँ, का दीजिए। हाँ रेड आई बिल्कुल। जो सारा बर्ड्स पकड़ना था पकड़ लिया पूरा 100। लेकिन ये जो केज है हमको थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इतना छोटा केज में इतना सारा बार्ड्स को लेके जाना सही नहीं होगा, इसलिए जुल्फिकार भाई को मैंने बताया कि और एक केज का बंदोबस्त करने के लिए और दो केज में अभी है लेके आया, इसमें भी 40-50 चला जाएगा। ठीक है हाँ। तो मतलब यहाँ से पूछ निकल के इसमें इसमें डाल देंगे। और दादा पहले बताइए आपका नाम, भूल गया। हमारा नाम ओभी दा, आपको आप बताइए कैसे, मतलब पसंद है कि नहीं? बहुत पसंद है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं देख के ये लग रहा है कि सारा बार्ड हेल्दी है, मतलब किसी का भी लूज मोशन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना जल्दी हो सके पहले सेपरेट कर दो, हमको भी ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा अंदर देने का। और यही दो रेड आई मतलब मैंने जो बताया था उसी हिसाब से इन लोगों का एज अभी थोड़ा कम है। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। इसलिए जुल्फिकार भाई को थैंक यू मेरे बात रखने के लिए दो रेड आई को। नहीं नहीं आपका बात तो जब कोई भी बोलो मैं रखेगा। ठीक है कोशिश करेगा रखने के लिए। जब मेरा रेफरेंस से कोई सब्सक्राइबर आएगा जी तो कभी कवरा देखो आपका रेफरेंस से सब्सक्राइबर को मैं सस्ता दे रहा है। ठीक है ऐसे वाला कलर पसंद करके देता है आदमी ना, बहुत ज्यादा लेता है। मैं ऐसा नहीं बोलता है, मैं क्या सोचता है मालूम है? सब्सक्राइबर नहीं ले रहा है, दीपंकर भाई ले रहा है। थैंक यू, यही सोच के मैं देता है। ठीक है ओके बढ़िया। और अभी फाइनल काउंटिंग हो रहा है, 100 पीस हुआ कि नहीं। और सारे बार मतलब सच में बहुत ज्यादा हेल्दी है, किसी का भी कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ 40 हुआ ना दादा, 40 पीस तो यहाँ 40 हुआ तो इसमें और नहीं देंगे, यहाँ 40 40 और वहाँ 60 तो मतलब 100 हो जाएगा। और अभी बिल्कुल शाम हो रहा है दादा, हाथ देना नहीं शाम के वक्त अभी भाई साहब का 290 बाइक बहुत बोला जो मेरे लिए थोड़ा कम कीजिए, आप पहली बार कर रहा है। अच्छा इसलिए 290 करके बात हुआ। और भाई जान एक बात मैं बोलूंगा, वो जो पिंजरा दिया ना वो दूसरा का है। ठीक है मैं लेके आया था उसमें। अच्छा उसके लिए 100 रुपया देना पड़ेगा, वो 115-120 रुपया लेता है, पुराना हो गया उसको 100 रुपया मैं देगा। ठीक है दादा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो दादा कितना हो रहा है? 290 × 50। हेलो तो 14,500। ठीक है और इसके साथ प्लस केज के लिए कितना दादा? 100 रुपया 14,600। तो मतलब 50 पेयर के लिए दादा पे कर रहा है। और ये थोड़ा मतलब इसका एज अभी क्या बताया कितना होगा? अभी 2 महीना 10 दिन 15 दिन है। 2 महीना 10 15 दिन हो गया है, तो 1 महीना या 2 महीने के अंदर ही वहाँ जाकर इतना टाइम नहीं लेगा। नहीं मैं ज्यादा ही पकड़ रहा हूँ, मतलब 2 महीने के अंदर ही कन्फर्म बीट करेगा। जी 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 जी
तो और दादा जो पे कर रहा है 290 में, ऐसा प्यार आपका कोई मतलब डाउट है कि नहीं, कोई डाउट नहीं। प्राइस जो मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से जो पे कर रहे हैं आप, प्राइस में आप संतुष्ट है या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? फिल ठीक है, ठीक है, ठीक है। दादा ने भी बोला कि 290 करके ऐसा पेयर ठीक है। हाँ जी बोलिए। तो ठीक है, अभी पेमेंट कर दीजिए और देर मत करेंगे, थोड़ा जल्दी में हूँ मैं भी और आप लोगों को भी बहुत दूर जाना है। पैसा भी पूरा पेमेंट हो गया है, 14,500 प्राइस हो रहा था और ये केज के लिए 100 मतलब 14,600 दादा ने पे कर दिया और यही सारा बेजिस पैरोट से और 50 पेयर मतलब एक ही केज में ज्यादा हो रहा था इसलिए 40 पीसेस और 60 पीसेस मतलब 20 पेयर और 30 पेयर अलग अलग दो केज में ले लिए है। और जुल्फी का था अभी थोड़ा मतलब बैग में सही तरीके से आप मतलब बैठा दीजिए, ठीक है ओके। तो बहुत देर हो रहा है और अभी वक्त नहीं है, निकलने का टाइम हो गया है जी। चलिए, और नहीं इसका ऊपर अगर कोई न्यूज़पेपर वगैरह होता ऐसा कुछ आप एक दे दीजिए। और जुल्फिकर भाई का ब्रीडिंग फार्म में एक बार घूमने के लिए आए हैं दादा लोग, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मतलब दिल खुश हो जाता है, इतना बड़ा फार्म, इतना सारा बजिस पैरोट, इतना अच्छा रिजल्ट और इतना अच्छा इन लोगों का हेल्थ। और आप केस देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है, थोड़ी सी भी मैल हमको नहीं दिखता है। क्या जुल्फिकर भाई हर रोज साफ करते रहते हैं? नहीं 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 नहीं, हफ्ता में एक बार दो बार साफ करता है, ठीक है, फिर भी बहुत 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 साफ करता है, साफ सुथरा रहता है, काफी अच्छा लगा। तो जुल्फिकर भाई चलते हैं, रात रात हो चुका है, बाहर अंधेरा है, टाइम बहुत हो गया, ठीक है फिर मिलेंगे, सही सलामत रहने का और दादा लोगों को सब भी, ठीक है भाई। जुल्फिकर भाई का फार्म से सीधा मेरा बार्ड ब्रीडिंग फार्म में चले आए, दादा लोग हमारा फार्म भी थोड़ा देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तो पूरा अंधेरा हो गया है, इतना अच्छा से मतलब दिख नहीं पाएंगे हम लोग, फिर भी फ्लैश लाइट ऑन करके या टॉर्च लाइट मतलब जला के थोड़ा दिखा देंगे दादा लोगों को। और तो अभी शाम की 6 बज रहा है और जो दादा लोग आए थे थोड़ा बहुत टिफिन भी करा दिया, तो चलिए अभी जाएंगे। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। भाई का वीडियो लाइक और शेयर जरूरी है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।